आपने हमेशा लैला मजनू, हीर रांझा या रोमियो जूलियट जैसी प्रेम कहानियों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बता रहे हैं जिसमें प्रेम तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा देशभक्ति का जज्बा शामिल है। ये कहानी है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल और उनकी पत्नी निकिता की। तिरंगे में लिपटे अपने शहीद पति विभूति ढोंडियाल को सैल्यूट करने और अंतिम क्रिया से पहले उनके कान में आई लव यू कहने वाली निकिता भी 5 दिनों बाद भारतीय सेना ज्वाइन करने जा रही है। आपको याद होगा कि मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल 2 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी देश सेवा का जज्बा आज भी जिंदा है, क्योंकि उनके जज्बे को बरकरार रखा है उनकी पत्नी निकिता ने, जो 29 मई को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने जा रही हैं। शहीद विभूति शंकर की पत्नी निकिता ने पिछले साल इलाहाबाद में विमेन एंट्री स्कीम का एग्जाम पास किया था। निकिता की कहानी एक मिसाल की तरह सबके सामने आई है। 17 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हुए थे। शहीद विभूति का शव जब तिरंगे में लिपटा हुआ देहरादून आया तो अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लग गई, लेकिन तब निकिता ने सैल्यूट करके अपने पति को अंतिम विदाई दी तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए थे। पति की शहादत के बाद ही निकिता ने सेना में सेवा करने का मन बना लिया। निकिता ने तब कहा था कि विभू की राह पर चलना, उनके अधूरे काम को पूरा करना मेरा काम है और इसी तरह से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। इलाहाबाद में इम्तहान पास करने के बाद वो पिछले साल से ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी और अब निकिता की ट्रेनिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है और वो अब अफसर के तौर पर सेना का हिस्सा बनने जा रही हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए पासिंग आउट कार्यक्रम में केवल निकिता के पिता ही शामिल हो सकेंगे। विभूति और निकिता की प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी जब विभूति MBA कर रहे थे, तब निकिता से उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों की शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही विभूति शहीद हो गए, लेकिन निकिता ने उन्हें कभी खुद से दूर महसूस नहीं किया। विभूति की यादों के और शब्दों से प्रेरित होकर निकिता ने मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़कर सेना में जाने की ठानी और अब वो विभूति ढोंडियाल की देश सेवा की कहानी को आगे बढ़ाएंगी। तो ये है वो प्रेरणादायक कहानी जिसमें प्यार तो है ही, लेकिन देशभक्ति उससे कहीं ज़्यादा है, और हम भी निकिता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN News के साथ। नमस्कार।